हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद हम क्या डाइट प्लान फॉलो करें। बिकॉज ये क्वेश्चन सारे लोगों का है कि सर हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स कब तक लेना पड़ेगा, क्या जिंदगी भर लेना पड़ेगा, और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो वजन बढ़ गया तो फिर से हम अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें। तो ये आज का जो टॉपिक है ये आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैंने यही चीज़ बताई है कि आप हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स अगर सपोज छोड़ रहे हैं किसी कंडीशन की वजह से, लाइक आपका बजट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे उतने टाइम तक, या फिर आप ज़्यादा टाइम तक उसको नहीं लेना चाहते बिकॉज आपकी फैमिली आपको मना कर रही है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद हम क्या डाइट फॉलो करें, कैसे हम हमारे वेट को मैनेज करके चलें, उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे नेचुरल डाइट से आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स हैं, 5 हेल्दी रूल्स आपने फॉलो करने। बिकॉज देखो, कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी वर्कआउट आपका रिजल्ट नहीं बनाता जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं करते हैं, तो ये फैक्ट है। तो आपको 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स फॉलो करने हैं। तो कौन से वो रूल्स हैं, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद आप ये डाइट प्लान स्टार्ट कीजिए। ओके, तो पहला जो है वो है आपको 7 से 8 घंटे आपको सोना पड़ेगा, यानी कि रेस्ट लेना है। मतलब पूरे दिन भर में अगर कहा जाए तो आपको 7 से 8 घंटे की आपको नींद चाहिए। डजंट मैटर कि आप दिन में सो रहे हैं 2 घंटे, रात को 6 घंटे सो रहे हैं, ऐसे भी आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन 7 से 8 घंटे आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये वापस से आपका वेट बढ़ा सकता है अगर आप इसको डिस्टर्ब रखेंगे तो। दूसरा यहां पर है आपका, आपको पर डे 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक करना है, ये भी आपका कंपलसरी। बिकॉज देखिए, अगर आप बॉडी के अंदर वाटर इंटेक नहीं करेंगे, आपका डेली की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर वाटर होल्ड होने लग जाएगा, जिससे फिर से आपका वेट बढ़ जाएगा ना। तो हमें ध्यान रखते रहना है, जैसे जैसे हम पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी से जो गंदा जो भी है यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलेगा, तो इसलिए वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा जरूरी है फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में तीसरा है वो है वर्कआउट। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वर्कआउट्स को बंद कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो हमें क्या करना है, वर्कआउट्स को बंद नहीं करना है, कोई भी आपकी एक एक्टिविटी आपको रखनी है, चाहे आप जॉगिंग करने जाएं, रनिंग करें, या ऑनलाइन वर्कआउट करें, या फिर किसी कम्युनिटी से आप जुड़े रहें, जो भी आपको बेस्ट लगे, तो वर्कआउट आपके मतलब रूटीन में होना चाहिए। कम से कम 45 मिनट वर्कआउट डेली का आप रखें। ओके, डिपेंड नहीं होना है पूरा फिर इस डाइट चार्ट पे कि हम इसको मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं वर्कआउट्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद जो चौथा है वो है कि आपको डेली अपनी बॉडी को एनालाइज करते रहना है कि भाई फिर से मेरे से कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है ना, या फिर मुझसे ऐसा कुछ खाने में तो नहीं आ रहा जिससे मेरा वेट फिर से बढ़ गया है। तो उससे क्या होगा, जब आप अपनी बॉडी को एनालाइज करेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि भाई आज मेरा वेट कितना है, कल कितना था, क्या मैं गलती कर रही हूँ तो मेरा वेट वापस से बढ़ रहा है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ओके, पांचवा है आपका डिनर टाइम आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने हर्बल लाइफ शेक को छोड़ दिया तो उसके बाद हम फिर से वापस उसी वाली लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। डिनर टाइम आपका 7 से 8 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए रात को, या फिर आपका जो भी टाइमिंग है, आपका बिजनेस है या जॉब है, एक्स जो भी है, तो सोने से 3 घंटे पहले आप आपका डिनर कंप्लीट कर लें। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और दूसरा जो भी आप मील ले रहे हैं ना, उसके बाद कम से कम पूरे दिन भर में या फिर जो भी मील ले रहे हैं उसके बाद में 1000 स्टेप का आप कंसिस्टेंसी पर रखें, ताकि उससे आपका वजन बाउंस बैक नहीं हो पाएगा और मेंटेन रहेगा। तो ये 5 हेल्दी रूल्स है। और उसके अलावा आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, एवरी संडे यानी कि सप्ते में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहें, ताकि जो भी गंदगी है वो साथ साथ बाहर निकलती रहेगी, है ना, तो आपका फिर से वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये जो रूल्स है ना, ये फॉलो करने, यही आपके वेट को मेंटेन करके रखेगा और आपका जो वेट है वो फिर से बढ़ने नहीं देगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा डाइट प्लान है, हम उस डाइट प्लान में क्या हम ऐसा रखेंगे, क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लें, क्योंकि पहले तो ब्रेकफास्ट में शेक चल रहा था, प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे थे, लेकिन अब नेचुरली तौर पे हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं, तो उसके लेकर के हम पूरा डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ शेयर करूंगा डाइट प्लान। और होप कि आप सभी लोग अपने डायरी पेन ले लीजिए,
डायरी पे अगर लेंगे तो 110% ये आपके डाइट पर कहीं ना कहीं काम आएगा, तो आप आराम से इसको उतार सकते हैं। बिकॉज हर्बल लाइफ शेक जब आप छोड़ेंगे, जो भी है, मैं तो ये आपको यही बोलूंगा कि वन टाइम शेक के साथ मेंटेन रखो अपनी लाइफस्टाइल को, है ना। फिर भी अगर आप किसी रीजन से छोड़ना चाहते हैं, बहुत से लोगों को सवाल है कि आइडल वेट को कैसे मैनेज करें, तो ये डाइट चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं उन्हीं के लिए। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे मॉर्निंग में तो वही है, सुबह उठ करके आपको 2 से 3 ग्लास वार्म वाटर पीना है, और उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, उसके साथ तो कुछ भी स्नैक्स लेते हैं, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये तो आपका एक मील है, ये तो आपको कंज्यूम करना ही है। अब यहाँ पर दूसरा क्या आता है, जो आपका मेन आता है वो आता है ब्रेकफास्ट। अब आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, 1 ग्लास आपको लेना है स्कीम्ड मिल्क लेना है, विदाउट शुगर आपने यहाँ पर कंज्यूम करना है। उसके बाद में आपको लेना है यहाँ पर हाफ बाउल आपको लेना है वेजिटेबल पोहा, ये आपने कंज्यूम करना है। और एक कप आपको लेना है मिक्स स्प्राउट्स, यानी कि जितने भी जो स्प्राउट्स होते हैं उसको मिक्स करके या फिर उसी के अंदर वेजिटेबल कट्स करके या पोहे के अंदर डाल करके आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपको लेना है 1 कप। ओके, तो ये आपकी दोनों की, मतलब ये तीनों की मैंने क्वांटिटी बताई है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्किम्ड मिल्क लेना है आपको 1 ग्लास, और शुगर नहीं लेना है उसके अंदर, वेजिटेबल पोहा लेना है 1/2 बाउल, और उसके बाद आपको उसके साथ में लेना है मिक्स स्प्राउट्स लेना है 1 कप। ओके, तो आपने इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ओके, तो ब्रेकफास्ट में आपको अच्छे से लेना है और आराम से खाना है, हर एक खाने को आपको आराम से खाना है, ऐसा नहीं है कि आपने हल्का सा थोड़ा सा लिया है तो उसको पूरा खत्म कर दो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। दूसरा आपका आता है मिड स्नैक्स। अब मिड स्नैक्स में आपको क्या करना है, सिंपल सा है, 7 पीस आपको वॉलनट लेने हैं, हाफ करके लेना है, मतलब कि 7 पीस लेने हैं आपको वॉलनट्स में, और उसके साथ में आपको 1 मीडियम एप्पल लेना है ना, एप्पल जिसमें आपको लो कैलोरी मिल जाएगी और फाइबर भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, और वॉलनट के अंदर नो डाउट आपको ओमेगा मिलता है, और उसके बाद उसके अंदर सबसे मेन चीज़ हेल्दी फैट है, तो आपका फैट फिर से बढ़ने नहीं देगा। तो ये आपका बेस्ट है मॉर्निंग स्नैक्स, इसको आप पूरा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर जो आता है लंच। अब लंच के अंदर क्या लें, तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लंच आपका बहुत अच्छा है और बहुत प्यारे तरीके से हमने तैयार किया है इसको, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लंच के अंदर आपको क्या करना है, 1 कुक्ड वाइट राइस करना है, टेंशन मत लीजिए, आपका वेट फिर से नहीं बढ़ेगा। ओके, वाइट राइस जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा आपकी बॉडी से। तो 1 कुक्ड आपको क्या करना है, 1 कटोरी कुक्ड आपको वाइट राइस लेना है, उसके साथ में आपको लेना है 2 कटोरी आपको लेना है लो फैट, है ना, लो फैट लेना है, योगर्ट लेना है 2 कटोरी लो फैट योगर्ट, और उसके अंदर 12 ग्राम प्रोटीन पर, मतलब उसके अंदर मिल जाता है, तो आपको योगर्ट लेना है प्लेन 2 कटोरी आपको ऑलमोस्ट लेना है, जिसके अंदर आपको फैट्स मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, और कैसीन प्रोटीन होता है उसके अंदर, नो डाउट, तो आपके लिए बेस्ट है। ओके, और ये आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर ले सकते हैं 1/2 कटोरी अमरनाथ लीव सांबर, एक आती है रेसिपी, आप इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अमरनाथ लीव सांबर करके आता है पूरा, जो आपको लेना है 1/2 कटोरी आपको ये कंज्यूम करना है। उसके साथ में आपने क्या करना है, ककंबर कैरेट बीट रूट सलाद आपने यहाँ पर कंज्यूम करना है 1/2 कटोरी। ओके, तो ये आपका पूरा एक हो गया लंच। इसके अंदर टोटल 3 से 4 वैरायटी है, जिसके अंदर आपका प्रोटीन आ गया, कार्ब आ गया, फैट आ गया, सब कुछ इसके अंदर आ गया है वैसे। ओके, तो ये आपका हो गया लंच। तो लंच के अंदर आपको ये डाइट रखनी है। उसके बाद में आपका आता है जो इवनिंग स्नैक्स। ऑब्वियसली देखो, मैंने इसमें क्या किया है, 5 बार में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि आप सडनली छोड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भूख लगती है, और कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज एक बार में तो आप उसमें शेक कर लेके 25 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक मील के साथ 25 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना बड़ी बात है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ताकि बॉडी के अंदर आपको प्रोटीन चला जाए जो जितना होना चाहिए, जितना जाना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट भी उतना चला जाए, फैट भी इतना चला जाए। इसलिए हमने क्या किया है, इसको 5 बार में डिवाइड करके हम छोटे छोटे मील के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका इवनिंग स्नैक्स आता है, वहाँ पे आपको क्या करना है, पनीर लेना है, काउ मिल्क का जो पनीर आता है वो लेना है, और इसके आपको ऑलमोस्ट 4 क्यूब्स लेने हैं ना, जो बर्फ वाले क्यूब्स होते हैं उस टाइप से आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, 4 क्यूब्स आपको लेने हैं पनीर, और उसके साथ में आपको क्या लेना है, ककंबर पोमग्रेनेट सलाद लेना है पूरा, ये मिला करके दोनों को, इसको कॉम्बो बना करके अच्छे से आप इसको ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पनीर को थोड़ा ग्रिल्ड कर सकते हैं, लेकिन 4 क्यूब तक ही आपको लेना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सब प्रोटीन और सब मेंटेन करके रखा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, और जो लास्ट आपकी जो मील आती है, 5वीं मील जो आती है, वो आती है आपकी डिनर। अब डिनर के अंदर आपको क्या करना है, आप 1 रोटी ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैंने आपकी रोटी बंद नहीं करवाई है, 1 रोटी आप ले लीजिए यहाँ पर, 1 ककंबर आप ले सकते हो, दूसरा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सोयाबीन
कीमा बना करके आप यहाँ पे ले सकते हैं दो कटोरी, और उसके अंदर जैसा भी आपको अच्छा लगे हेल्दी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम ऑयल ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा उसको डीप फ्राई ना करें, है ना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरी डाइट है, ये आपका डिनर हो गया लास्ट, तो ये जो पूरी मील है, पांच मील है, इनको आप अच्छे से ले सकते हैं। और हर्बल लाइफ शेक छोड़ने के बाद में, सपोज अगर आप चाहते हैं कि मैं हर्बल लाइफ शेक छोड़ूँ उसके बाद में ये डाइट चार्ट फॉलो करूँ, तो 110% आपका वेट मैनेज हो सकता है। ओके, तो ये पूरा डाइट प्लान है। लेकिन आपने एक चीज़ का वापस से ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, जो 5 हेल्दी रूल्स है ना मेरे, उसको भी आपको फॉलो करना है, बिकॉज आप उनके बिना वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। और आपके पास में अब वो ऑप्शन नहीं है कि भाई कितने टाइम तक लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली अलाउड नहीं करती है और आपका टारगेट अचीव हो चुका है, तो आप इस डाइट से अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हफ्ते में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करना। ठीक है, और भी अगर इसको लेकर के या फिर आपको कुछ क्वेश्चन आता है या फिर डाउट्स आता है, तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखें। और दूसरा, एवरी संडे हमारा जो चलता ही है, जहाँ पे हम बताते हैं, क्वेश्चन एंड आंसरिंग चलती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई मेरा कस्टमर डाइट प्लान के लिए बारे में जानना हो, या फिर वर्कआउट फैसिलिटी कुछ भी चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।